और मध्य प्रदेश के बैतूल में आयुष्मान भारत योजना में निजी अस्पताल में गड़बड़ी की खबर सामने आई है, जहां पर एक निजी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना में गड़बड़ी कर सरकार को चूना लगाने का कार्य किया जा रहा है। इसकी जानकारी जिला अस्पताल को और जिला प्रशासन को मिलने पर पूरी अस्पताल में छापेमार कार्रवाई की गई है। रिकॉर्ड की जांच की तो उसमें फर्जीवाड़े की खबर भी सामने आई है, जो कि सच साबित हुए हैं। आपको बता दें कि बैतूल के निजी हॉस्पिटल पर प्रशासन की टीम ने छापा मारा है, जिसमें आयुष्मान योजना में गड़बड़ी की खबर सामने आई है। मामले को लेकर कलेक्टर अमरवीर सिंह बैंस ने आयुष्मान मरीजों से अनाधिकृत रूप से पैसे वसूले जाने की शिकायत की थी। इसको लेकर बैतूल SDM KC परते तहसीलदार प्रभात मिश्रा CMHO और उनकी पूरी टीम ने वैष्णवी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में आकस्मिक छापा मारा है। सर को शिकायत प्राप्त हुई थी कि आयुष्मान में वो इम्पेनल है और उसके यहाँ आयुष्मान में घपला किया जा रहा है, उसकी संभावना थी, कहीं से सूचना आई होगी। और ये दूसरा नंबर ये था कि वो अवैध रूप से आयुष्मान वालों से पैसा वसूल रहे हैं, जबकि नियमानुसार आयुष्मान पैकेज में सब कुछ शासन फ्री देती है। उसकी शिकायत की जांच करने के लिए सर ने कमेटी बनाई।